आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये सबसे पहली बात का, ये जो प्रॉब्लम आ रही है विंडो 11 में आ रही है। किस में आ रही है? कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जो विंडो 10 है, उसमें भी पहले ही प्रॉब्लम आती थी, लेकिन फिलहाल अब उसमें नहीं आ रही, उसमें तो काम हो जाता है। लेकिन जितने भी विंडो 11 आ रही है, तो उसमें विंडो 11 में प्रॉब्लम आ रही है कि सिग्नेचर ड्राइवर का प्रॉब्लम आ रहा है। सिग्नेचर ड्राइवर का प्रॉब्लम आता है कि सिग्नेचर ड्राइवर हमारा क्या होता है कि काम करता है, तो जैसे हम मीडिया टेक सीपीयू को, जो भी मोबाइल फोन आते हैं, चाहे वो ओप्पो का ले लो, चाहे वीवो का ले लो, चाहे एम आई ले लो, चाहे टेक्नो ले लो, कोई भी फोन आता है, अगर उस मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, उस मोबाइल फोन को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि हमको मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मेट होगा। जब तक कनेक्ट ही नहीं होगा तो फॉर्मेट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में जो हम लोग मोबाइल फोन में जो सॉफ्टवेयर करते हैं या मोबाइल फोन को फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट करते समय हमारा मोबाइल फोन तो प्रोसेस तो होता ही है, होने के बाद हमारा सिस्टम ही रिस्टार्ट मार जाता है। मतलब कुल मिला कहने का मतलब कंप्यूटर बंद हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन में हमारा सिस्टम ही बंद हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सॉफ्टवेयर कर पाएंगे? क्योंकि हमारा सिस्टम ही बंद हो गया, मोबाइल फोन फॉर्मेट नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको इसी समय मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ये टेक्नो का मोबाइल फोन है। किसका मोबाइल फोन है? टेक्नो का मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन के अंदर पासवर्ड लगा है। क्या लगा हुआ है? पासवर्ड लगा है। हम लोग क्या करेंगे, इस लॉक को ब्रेक करेंगे, लॉक तोड़ेंगे, और पूरा आपको मैं प्रोसेस पूरा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम कैसी आती है, मैं उस प्रॉब्लम को आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके पास ये मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन को सॉफ्टवेयर करने के लिए पहले फोन को हमको क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ करने के लिए मोबाइल फोन को सबसे पहले बार सिस्टम से कनेक्ट कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट कराना पड़ता है। मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट कराने के लिए हम लोग अपने कहां पर जाते हैं? मैनेज में जाते हैं। मैनेज के अंदर कहां पर जाते हैं? डिवाइस मैनेजर में जाते हैं। जब डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, तो यहां पर पहले मोबाइल फोन को कनेक्ट करा के देखेंगे कि हमारा मोबाइल फोन पोर्ट कौन सा बनाएगा। क्या बनाएगा? पोर्ट कौन सा। हम लोग क्या किया, फोन को बंद कर दिया, प्लस माइनस बटन दबाया। प्लस माइनस बटन दबाने के बाद हमको डाटा केबल लगाना है। देखिए हमारा फोन कनेक्ट हुआ और मीडियाटेक का यूएसबी कॉम 7 पोर्ट बनाया। मतलब फोन कनेक्ट हो रहा है, पोर्ट बना लिया। पोर्ट बनाने के बाद आपको थोड़ा सा पास चाहिए, जब वीडियो बनाएंगे तब अच्छा रहेगा, ताकि मैं अच्छे तरीके दिखा सकता हूँ। क्योंकि उसमें से क्या, दूर से कैमरे में छोटे छोटे लेटर होते हैं ना, दिखाई नहीं देते, इसलिए थोड़ा सा पास से बनाइए। कनेक्ट नहीं होगा तो हम लोग मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई भी फोन आता है सॉफ्टवेयर करने के लिए, तो ये बात अपने दिमाग में गार्ड मान लो कि पहले मोबाइल फोन का कनेक्ट होना जरूरी बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस बटन दबाया। प्लस माइनस बटन दबाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डाटा केबल लगाते हैं। जैसे डाटा केबल लगाते हैं, हमारा फोन देखो कनेक्ट होता है मीडियाटेक कॉम 7। क्या कनेक्ट हुआ? कॉम 7। कॉम 7 के बाद अब चलिए बात करते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का डोंगल यूज करते हैं। इस डोंगल को हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डोंगल को सिस्टम ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। हमारा डोंगल सिस्टम पे कनेक्ट हो गया। सिस्टम में कनेक्ट होने के बाद हमने मिनिमाइज किया। मीडियाटेक का सॉफ्टवेयर है, तो मीडियाटेक के मोबाइल फोन को ठीक करने के लिए मीडियाटेक का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। हमने इस सॉफ्टवेयर को खोला। सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन में खुल जाएगा। सॉफ्टवेयर स्क्रीन में खुलने के बाद आई एग्री खुल गया। पहले हमारा फोन प्री लोडर तो लिख के नहीं आया था, तो हम लोग प्री लोडर को लेंगे नहीं, रूम में रहने देंगे। यहां पर जाएंगे, मोबाइल फोन को फॉर्मेट एफआरपी दोनों को ले लेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हम मोबाइल फोन को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं हमारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चला। सॉफ्टवेयर चलने के बाद हमने क्या किया, प्लस माइनस डाटा केबल लगाया। प्लस माइनस डाटा केबल लगाने के बाद हमने मोबाइल फोन को लगाया। जैसे मोबाइल फोन कनेक्ट किया, देखिए मोबाइल फोन को पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में ऐसा स्क्रीन आती है, ब्लू कलर की स्क्रीन आती है। अब ब्लू कलर की स्क्रीन आने के बाद हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है।
ये क्यों रिस्टार्ट होता है? ये डिसेबल सिग्नेचर ड्राइवर की प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? सिग्नेचर ड्राइवर की प्रॉब्लम आती है। फिर सिस्टम ऑन हो गया। अब ये मोबाइल फोन हमारा नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि सिग्नेचर ड्राइवर को डिसेबल कैसे करते हैं। सिग्नेचर ड्राइवर को डिसेबल करने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या करना होता है, स्विफ्ट बटन दबाना होता है। क्या दबाना होता है? स्विफ्ट बटन दबा करके सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है। कैसे? हमने देखो स्विफ्ट बटन दबाया कंप्यूटर में, उसके बाद सिस्टम को क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। यहां पर जाएंगे, पावर ऑफ में जाएंगे, इसको क्या करेंगे, लेकिन स्विफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है, स्विफ्ट बटन को दबा के रखना है। जब तक दबा के रखना है जब तक हमारे सिस्टम अपने मन से ही ना चालू हो। अब देखिए अपने मन से एक इंजीनियरिंग मोड खुल के आएगा। देखिए पास में दिखाइए, प्लीज वेट। देखिए ऐसा विंडो खुल जाएगा, हमारा सिस्टम जो है ट्रबल शूटिंग में चला जाएगा। ट्रबल शूटिंग में जाने के बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रबल शूट में जाएंगे। कहां पर जाएंगे दोस्तों? ट्रबल शूट में जाएंगे, एंटर करेंगे। ट्रबल शूट के बाद नीचे ऑप्शन आएगा, एडवांस का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? आप एडवांस वाले ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस के अंदर नीचे ऑप्शन आएगा स्टार्टअप सेटिंग, स्टार्टअप सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर देंगे। जैसे रीस्टार्ट करेंगे अब देखिए यहां पर सिग्नेचर ड्राइवर डिसेबल करने का ऑप्शन आएगा। ये देखिए यहां पर लिख क्या रहा, प्लीज ए नंबर चूज द ऑप्शन, यूज द फंक्शन की F1 से F9, दिखाई दे रहा है उसमें स्क्रीन में। अब यहां पर अगर देखेंगे तो F7 में लिखा डिसेबल सिग्नेचर ड्राइवर इनफॉर्मेशन, F7 दबाना है। क्या दबाना है? हम लोग क्या करेंगे, F7 दबाएंगे। F7 दबाने के बाद हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद होकर के चालू होगा। बंद होकर के चालू हो जाएगा, हमारा सिग्नेचर ड्राइवर डिसेबल हो गया। क्या हो गया? सिग्नेचर ड्राइवर डिसेबल हो गया। फिर से हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। हम लोग सिस्टम को ऑन करेंगे। सिस्टम ऑन करने के बाद फिर से हम दोबारा करेंगे। दोबारा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। यस, सॉफ्टवेयर खोलने के बाद प्लस माइनस दबा करके फिर डाटा क्यों लगाएंगे। सेम प्रोसेस, ब्रो मोड में लिया, यहां पर FRP दोनों पे टिक किया, एग्जीक्यूट कर दिया, सॉफ्टवेयर चालू हो गया, प्लस माइनस बटन दबाया, फिर से डाटा क्यों लगाया, फोन पकड़ लिया, सॉफ्टवेयर चालू हो गया।